नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री खट्टर के छोटे भाई का बीमारी के चलते हुए निधन। सीएम खट्टर के छोटे भाई गुलशन खट्टर का रोहतक में अंतिम संस्कार। पंचकुला में आज हुआ सम्मान समारोह, हरियाणवी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। राकेश टिकैत 15 अगस्त को उधम सिंह नगर में फहराएंगे तिरंगा। राकेश टिकैत ने सरकार पर कसा तंज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के छोटे भाई का निधन हो गया है। शुक्रवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 3:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शिला बाईपास स्थित शमशान घाट रोहतक में हुआ। भाई की मौत पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुझे यह सूचित करते हुए बड़े दुख की अनुभूति हो रही है कि मेरे अनुज गुलशन खट्टर का आज गुरुग्राम में देहावसान हो गया है। मेरे लिए यह अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आज पंचकुला में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नहीं पहुंचे, हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। लेकिन हरियाणा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और इस खेल में महाकुंभ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने छोटे भाई के निधन के कारण यहां नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री के छोटे भाई के लिए 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकी हमले की आशंका के चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर सिरसा के रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दे रहा है। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने आज संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और उनके परिजनों के बैग और सामान की गहनता से जांच की गई। इसके अलावा रेलवे पुलिस के जवानों ने रेलगाड़ियों की भी चेकिंग की। रेल पुलिस ने यात्रियों और उनके परिजनों को आतंकी आशंका के चलते सतर्क रहने की अपील भी की है। ये 15 अगस्त को लेकर हमें अभियान चलाया गया है, भाई कोई अनहोनी ना हो जाए। और हम ट्रेनों में स्पेशल चेकिंग भेज रहे हैं और सामान की चेकिंग कर रहे हैं, रेलवे परिसर में और स्टैंड पे और गाड़ियों में यार्ड में स्पेशल चेकिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को मध्य को नज़र रखते हुए हम चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। तो पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है? हाँ, पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। और कोई नशीली चीज़ें या कोई प्लास्टिक की चीज़ों में कोई RDX बरामद हो सकता है, ये हमें सूचना मिली है। फरीदाबाद के पाली क्रशर जोन में एक मुंशी से बंदूक की नोक पर 1,27,000 की लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज बीती रात को क्रशर पाली जोन में एक लूट की वारदात की सूचना मिली थी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया है और दौराने तफ्तीस वहाँ पर CCTV फुटेज खंगाले गए, जहाँ पर 4-5 लड़कों के फुटेज में फोटो आए हैं, उनकी पहचान करके उनको जल्द गिरफ्तार किया गया। और रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण भवन का आज डिविजनल रेलवे मैनेजर DP गर्ग ने औचक निरीक्षण किया तथा रेलवे कर्मचारियों की मांगे सुनी। जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने का DP ने आश्वासन दिया। रेलवे स्टेशन पर महिला सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा के मामले में भी जल्द से जल्द सुधार करने के आश्वासन मैनेजर ने दिए हैं। इस मौके पर सभी रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये ट्रिप इसी के लिए है कि समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे हमें क्या सुधार करना है, जिससे कि पैसेंजर्स को और हमारे ट्रैफिक जो फ्रेट ट्रैफिक है इनमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैं अभी आप उधर मैं गया था गुड शेड देखने, तो वहाँ पे क्या हमारा पोटेंशियल है, क्या हम नया ट्रैफिक ला सकते हैं, सबका स्टडी करने के लिए। तो एक बार पहला ट्रिप है हमारा, आता रहूँगा मैं। पहला ट्रिप होता है फेमिलराइजेशन करने के लिए, पूरे सेक्शन से पूरे चीज़ को समझने के लिए, अभी वही कर रहा हूँ। सर, रेलवे यूनियन ने भी अपनी कुछ मांगे रखी हैं, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं और क्या आश्वासन आपके पास? देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपना जो भी मांगे हैं मेरे को दी हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, हम एग्जामिन करवाएंगे और जो हेल्प हो सकती है हम पूरी एक्सटेंड करेंगे।
गरोंडा के गांव स्टोंडी में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। गांव स्टोंडी में पहुंचने पर टिकैत का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होगी, विभिन्न राज्यों में पहुंचकर उसके लिए न्योता दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी रणनीति वहीं से शुरू होगी। वहीं टिकैत ने कहा कि वो 15 अगस्त को उधम सिंह नगर में झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, क्योंकि यदि दिल्ली में कुछ घटना घट गई तो नाम राकेश टिकैत का आएगा। वहीं टिकैत ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि बंगाल में सरकार को दवाई दी गई थी और अब उत्तर प्रदेश में भी दवाई देंगे। उन्होंने सरकार को कोरोना की संज्ञा दी और कहा कि उनकी लड़ाई समाधान होने तक जारी रहेगी। हमने कई स्टेट में गए जी। कल से उत्तराखंड में गए, हिमाचल गए, फिर चंडीगढ़ और अब ये हरियाणा में है, पंजाब में कुछ क्षेत्र में गए। 5 सितंबर की एक पंचायत है मुजफ्फरनगर में, तो लोग ये है कि उस पंचायत में लोग आए, आगे की रूपरेखा तैयारी करेंगे और बड़ी पंचायत उसमें कर रहे हैं, सलाह मशवरा करें। क्या रूपरेखा हो गया? सलाह करेंगे, संयुक्त मोर्चा जो भी तय करेगा। 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त पे आप झंडा फहराने वाले हैं, कहाँ पे फहराएंगे आप? मैं तो उधम सिंह नगर में, उधम सिंह की मूर्ति लगी हुई है उधम सिंह नगर में काशीपुर के आसपास, तो वहाँ जाऊँगा। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर रहूँगा, यहाँ छेड़खानी कोई और करेगा, नाम किसान को बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन जो है राजनीतिक स्वरूप धारण नहीं करता जा रहा है ना? कहाँ है राजनीतिक वाले का दे मिलवाइयो, बहुत सारे हैं लोग हैं, कहाँ है? विपक्षी आरोप लगाते हैं, कहते हैं अभी वीडियो दिखा देंगे, इस तरह की बात करती है। अरे तो लगान दे, तो उनका तो काम यही तो काम है, उनका और क्या काम है? आप संसद में गए, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 9 महीने हो गए आपका आंदोलन चल रहा है, क्या बातचीत हो पाएगी? बातचीत तो भारत सरकार को करनी पड़ेगी, वो आज कर लो अगले 2 साल में कर लियो, किसान क्या कहीं क्या लग रहा। आप बोल रहे हैं भाई इनकी दवाई तैयार कर दी गई है। हाँ कर दी, दवाई है जो आपको कर दी, इन्हें बंगाल में दी थी दवाई, बंगाल में दवाई दी इन्हें। सरकार सबसे बड़ी कोरोना है, हाँ इसकी वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी। सरकार जो मोदी सरकार है या कंपनियों की सरकार है, सबसे बड़ी यह तो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। रादौर के शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला में आरएमपी चिकित्सकों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर बैठक में आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि तत्कालीन इनेलो सरकार में हरियाणा स्वास्थ्य कर्मकार विधेयक 2004 को पास किया गया था, जिसके बाद 2018 में भाजपा सरकार ने प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर्स बोर्ड का गठन कर आरएमपी डॉक्टरों को मान्यता देने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जो कि विधानसभा चुनावों के चलते लागू नहीं हो पाए थे। अब मौजूदा मानसून सत्र में सरकार हरियाणा कर्मकार विधेयक 2018 से पास हुए नियमों को मंजूरी प्रदान करे, जिससे गाँव में चिकित्सा सुविधा देने वाले आरएमपी डॉक्टर ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा देकर उनका इलाज कर सके। मुद्दा तो हमारा एक ही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव जीत तोड़ करके लड़ाए और उनको जीत दिलवाई, और हमारी एक छोटी सी मांग है जो रह रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन किया था, उस गठन में करने के बाद जो बोर्ड ने काम किया है वो नियम हम पास करा के कैबिनेट में और दोबारा बोर्ड में मंगाने का काम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। और जो एंड और वाली फाइल है उसको अगर विधानसभा में सरकार रखना चाहे, विधानसभा में पास करके वो भी बोर्ड में भेज दे, ताकि इन 1 लाख लोगों का सब रोजगार जो है वो मिल सके। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए भारत माता के वीर जवानों को सम्मान देने के लिए भाजपा द्वारा अलग अलग जिलों में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक ऐसी तिरंगा यात्रा आज करनाल के घरौंडा में भी निकाली गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन घरौंडा से भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण के द्वारा किया गया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी घरौंडा पहुंचे। इसके साथ ही यहां करनाल से सांसद संजय भाटिया, भाजपा के करनाल जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शहीदों के परिवार वालों को ओपी धनखड़ के हाथों सम्मानित किया गया। नई पीढ़ी में वो बलिदान की कथाएं पहुंचाने के लिए तिरंगे के सम्मान में पूरे हरियाणा भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 60 विधानसभाओं में अभी हो जाएंगी आज तक, 90 की 90 विधानसभाओं में होनी है। अभी 14 और 15 तारीख में भी इस प्रकार की यात्राएं हैं, तो ये बहुत ही भव्य यात्राएं हो रही हैं। तिरंगे को उठाकर किसान भी चला है, जवान भी चला है, मातृशक्ति भी चली है।
अल्पसंख्यक भाई भी चले हैं, सब जगह मैं देख रहा हूँ एक ही प्रकार का देशभक्ति का वातावरण है, रंग दे बसंती वाला वातावरण है। शहीदों को नमन करने के लिए करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में देश के नाम शहीद हुए हरियाणा के वीर सपूतों के परिजनों और वीरंगनाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में करनाल से सांसद संजय भाटिया ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। शहीदों की याद में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।